2012 में जीता था वाओ जैप, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता जब विंडोज 8 लॉन्च हुई थी। अच्छा, तो उसमें ऐप डेवलपमेंट का कंपटीशन हुआ था। जो डाउनलोड वाइज एप्लीकेशन थी वो मेरी लाहौर में फर्स्ट नंबर पे थी और ओवरऑल पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे थी। अच्छा, वेरी गुड। मेरा एक दोस्त था, वो अल्लाह ताला से जन्नत में जगह दे, वो इस चीज़ की वजह से इस दुनिया से जा चुका है क्योंकि उसने वीकेंड्स पे भी काम कर रहा था और थ्रू आउट वो काम करता रहा। आज मैं घर वालों के साथ बैठा था तो अच्छे लोग हैं। पहले तो मेरे फादर इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि तुमने कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना। नहीं जा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट इंशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ के आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अपने प्रोग्राम में जो पंजाब पुलिस का टैलेंट है उसको यहाँ पर बुलाएं और आपको दिखाएं कि वो टैलेंट की बेस पर किस कदर अपना नाम बनाते हैं और कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो आज इसी तरह हमने प्रोग्राम में एक ऐसे टैलेंट को दावत दी है जो कि एज ए पुलिस टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनकी खासियत ये है कि वो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मतलब आप देखो कि क्यू ए या इस तरह की चीजें तो बड़ी इजी होती हैं और इजीली मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जो डेवलपर्स हैं ना फाइक, मैं कहती हूँ कि वो बहुत ही मेहनत तलब काम है। छोटा सा भी बग आ जाए तो दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग हैं और अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आपको पता होगा कि एक बग को निकालने में अक्सर हमें कई कई हफ्ते भी लग जाते हैं और हमें गलती नहीं पता चल रही होती। और इवन दैट कि अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हमें तब पता चल रहा होता है कि वो ये बग था, लेकिन प्रोग्रामर को पहले ही पता होता है कि यहाँ पर कोई एरर आ सकता है। जो यूजर है अगर इस्तेमाल कर रहा है तो इसको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एनीवेज, बिला ताखिर उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में उमर सुखेरा, उनको वेलकम कहते हैं। उमर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। प्रोग्रामर हैं और देख के काफी अच्छा लग रहा है मुझे, फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। प्रोग्रामर और फ्रेश हो, ये कैसे हो सकता है उमर? ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मोस्टली अगर आप लोग प्रोग्रामर्स को देखेंगे, ये वैसे इम्पैक्ट बना हुआ कि वो काफी स्ट्रेस रहते हैं होते हैं, बट हम लोग यूज्ड टू हो चुके होते हैं। तो दैट्स व्हाई इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि आपका जो फेस की आदत भी हो गई होती है और आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है इस चीज की और मैनेज कर लेते हैं। फिर मोस्टली जो लोग काफी देर से जॉब कर रहे होते हैं और इस चीज में काफी इन हो जाते हैं, वो अपने आप को यूज टू कर लेते हैं चीज का। और फिर आपने ऑब्वियसली कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होती हैं जिससे आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकें, क्योंकि ऑलवेज हम लोग थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं, वो भी बहुत जरूरी होती है। मैं प्रोग्रामिंग का ख्याल कैसे आया? एक तरफ आप पुलिस की जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से ये ख्याल आया कि प्रोग्रामिंग करूं मैं? मैं असल में जिस टाइम इंटर में था तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा था, मुझे ऑन भी नहीं करना आता था। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये एक तजस्सुस हुआ कि मैं ये देखूं कि इसके पीछे क्या होता है। लाइक अच्छा। अगर एक इंसान है, उसमें इंसान एक डॉक्टर बन जाता है, इसके पीछे वैसे उस होगा, जाहिर है इसके पीछे भी कोई दुनिया होगी, तो उस दुनिया को देखना चाहता था मैं। तो इस शौक में मैंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड जो थी उसको चूज़ किया। ठीक है। और उसके बाद फिर 2012 में जाके मैंने जो है स्टार्ट किया था मेन ऐप डेवलपमेंट पे काम। अच्छा, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐप डेवलपर हूँ। अच्छा, तो कभी पछतावा तो नहीं हुआ कि मैं क्या बनना चाहता था और प्रोग्रामर बन गया? एक तरफ नहीं चलना अगर आपको समझ नहीं है उस चीज, वही मैं यही बता रही। तो उसमें काफी टाइम इस तरह हुआ था कि मैं जब वापस आ रहा होता था जॉब से तो मैं बस खत्म, अब आज के बाद नहीं करना इस तरह का काम, खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात ही नहीं। Right. और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले दिन जब सुबह उठता था कि नहीं यार करना है, किसी को करना है, मोटिवेशन इंक्रीज हो जाता था मोटिवेशन, क्योंकि मुझे शौक था कॉम्पिटिशन में जाने कौन का। कौन देता था मोटिवेशन आपको? मेरे दोस्त जो थे वो स्पेशली मुझे मोटिवेट करते थे, जो 60 डेवलपर थे मेरे सीनियर जो थे, जिनसे एक्चुअली मैंने सीखा है, अरसलान भाई मेरे सीनियर थे, वो उन्होंने मुझे सिखाई थी प्रोग्रामिंग, तो उन ऐप डेवलपमेंट एक्चुअली उनसे मैंने सीखी थी। तो वो जिस टाइम पे मैं शाम जा रहा होता था तो मुझे मोटिवेट करके भेजते थे, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं हो जाएगा, होता रहता है। और ऑब्वियसली वो बड़े थे, उनका एक आसरा भी था, तो आपको मोटिवेशन मिलती रहती है।
ठीक है। अच्छा उमेरा, आपने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं और इतनी यंग एज में आपने जीता, उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। ये मैंने 2012 में जीता था वाउजैप, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता जब विंडोज 8 लॉन्च हुई थी। अच्छा, तो उसमें ऐप डेवलपमेंट का कंपटीशन हुआ था। ओके। मैं वैसे नॉर्मली पार्टिसिपेट करता था ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी, काफ़ी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ इवेंट्स के अंदर। तो ये एक इवेंट था जिसपे हमें इन्वाइट किया गया था और माय यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम लोग 3 लोग गए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मेरी जो थी वो 3rd पोजीशन थी। ठीक है। अच्छा। और हमें प्राइस सेम था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का, लेकिन जो डाउनलोड वाइज एप्लीकेशन थी वो मेरी लाहौर में 1st नंबर पे थी और ओवरऑल पाकिस्तान में 2nd नंबर पे थी। अच्छा। वेरी गुड। तो उस बेस पे फिर हमें ये अवार्ड मिला था। जबरदस्त। और उसमें मुझे एक मोबाइल फ़ोन जो था वो मैंने विन किया था। सही। उस टाइम जो अच्छा, उसके अलावा अच्छा। सर्टिफिकेट्स थे वो भी मेरे पास पड़े हैं। अच्छा उमेर, फैमिली में थ्रू आउट मोटिवेशन कौन है, फैमिली में कौन मोटिवेट करता है, या फैमिली को टाइम दे पाते हो कि नहीं? वो इसमें एक जोक मैंने शुरू में शेयर किया था अपनी प्रोफाइल पे, जब मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होता था, क्योंकि एक टाइम था जब 22-22 घंटे भी मैंने काम किया हुआ, इतना ज़्यादा शौक था उस टाइम पर। तो वो एक बार मैंने शेयर किया था एक जोक के, आज मैं घर वालों के साथ बैठा था तो अच्छे लोग हैं, अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। तो ऐसा टाइम ही था, लेकिन मेरी मदर मेरे फादर उन्होंने थ्रू आउट मुझे सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरी मदर ने। और पहले तो मेरे फादर इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि तुमने कंप्यूटर साइंस पे नहीं जाना, नहीं जाना। और लेकिन फिर मैंने अपनी मदर को कन्विंस किया, फिर उनके साथ मिल के फादर को कन्विंस किया, और फिर मैंने ये फील्ड जब चूज़ की, और उसके बाद जब मैं इसमें एक्सेल किया मैंने, और मैंने जब इवेंट्स वगैरह जीते, अपना नाम करना, ऐसे फिर आपने खुद अपने आप को बूस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो मेरे पेरेंट्स अब काफ़ी खुश हैं, और उसके बाद फिर मेरी वाइफ हैं वो भी काफ़ी मुझे सपोर्ट करती हैं। सही। और एक टाइम आता है कि आपके पास टाइम नहीं होता घर वालों को टाइम देने, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप, और अक्सर ऐसे होता है कि हम डेवलपर मोस्टली जितने भी होंगे वो लाजमी इस चीज़ से वो एग्री करेंगे कि जिस टाइम पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप ऑलवेज थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं। ऐसे ही है, आप सो भी रहे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं। अगर आपने काफ़ी मीम्स इस पे शेयर देखी हो तो वो इसी चीज़ पे आती हैं कि सोए हुए भी वो बीवी शक कर रही होती है कि ये किसी और के बारे में सोच रहा है, और वो सोच रहा है कि ये जो मेरा बग है वो कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो अक्सर रात को सोए पड़े उठते हैं हम लोग, तो याद आता है कि यार ये जो मसला आ रहा है ना वो इस चीज़ की वजह से आ रहा है, तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। तो वो उसी टाइम बैठ के भी उसको टाइप करते हैं, लिख के सेव कर लेते हैं, अगले दिन आके चेक करते हैं। तो वो कह लें कि ये आप हर टाइम इसी बारे में ही सोचते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपने टाइम मैनेजमेंट, जिंदगी भी आपका एक प्रोसेसर बन जाती है, आप बस एग्जैक्टली करते रहते हैं। एग्जैक्टली। मेरा एक दोस्त था, वो अल्लाह ताला से जन्नत में जगह दे, वो इस चीज़ की वजह से इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि उसने वीकेंड्स पे भी काम कर रहा था और थ्रू आउट वो काम करता रहा। ऑन नाम था उसका, वो मेरे साथ जो कंपटीशन में गया था एक लड़का, उसकी 2nd पोजीशन थी। मतलब ये इतना सीरियसली आपके डेंजर है कि आप हर वक्त बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप बस काम ही करते रहे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और वो थ्रू आउट जस्ट प्रोग्रामिंग कर रहा था। वीकेंड पे हम उसको मिलने के लिए बुलाते थे, मेरा ये है कि मैं वीकेंड पे काम नहीं करता। तो आप सही है, बिल्कुल स्केड्यूलिंग करते हैं, आप अपनी बताएं जरा हमें टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। मेरा ये है कि जब ऑफिस में हूँ तो ऑफिस का काम करना है, ऑफिस में जाने के बाद फिर मैं, अगर तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं ऑफिस में रह के कंप्लीट करके जाता हूं। अच्छा, घर जाके आप काम नहीं? अब नहीं मैं करता, पहले करता था। उस चीज की वजह से ये जब वो मेरा दोस्त गया तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अच्छा, एप्स के बारे में बात करते हैं उमर। जिंदगी एक ऐप थी, फिर पहचान ऐप है, इसके बाद विमेन सेफ्टी ऐप जो है वो आपने डेवलप की और डेवलपर है उसके, कैसा ये एक्सपीरियंस रहा और इसकी वजह से जो आपको शोहरत मिली और इस ऐप ने जो खासतौर पे ख़वातीन और मर्द दोनों को यकसा तौर पे मतलब फ़ायदा दिया, इसके बारे में आप क्या कहें, क्या सोच थी आपकी? सबसे पहले जो ज़िंदगी एप्लीकेशन थी वो थी नारकोटिक्स पे, जैसा कि आप लोगों को बताएं हमारी यंग जनरेशन जितनी भी है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कमरान खान साहब, इन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और जो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स है इनके साथ मिलके ये एप्लीकेशन हम लोगों ने डेवलप की iOS में भी और एंड्रॉयड में भी। ये एक्चुअली रिहैब के तौर पे यूज़ होती है, मीन्स अगर आपने मोटिवेशन लेनी है कि आप कोई किसी भी किस्म के एडिक्ट हैं और आप ड्रग्स में स्पेशली, तो उसको छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें आप उसकी मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप किसी सेंटर में जाना चाहते हैं
तो सेंटर में जाके अगर आप अपने आप को ठीक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मोटिवेशनल कुछ डॉक्यूमेंट्रीज थी वो उसमें हैं, वो देख के, तो इस टाइप की मतलब वो एप्लीकेशन है। और अगर इसके अलावा आप अपने करीब किसी को देखते हैं कि कोई एक्टिविटी हो रही रिगार्डिंग ड्रग्स या कोई सेल कर रहा है या वो किसी को कोई एडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उमर, ये मुझे बताइए कि ये जो वुमेन सेफ्टी ऐप है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या आपने इसके ऊपर काम किया? क्योंकि अब तक की ये सबसे आई थिंक सो मुनफरिद एप्लीकेशन है जो ख्वातीन के तहफ़ के लिए बनाई गई है। सबसे पहले तो इसकी मोटिवेशन यही थी कि इसको मैं जल्द से जल्द जो है वो डेवलप कर सकूं ताकि ये लॉन्च हो जाए और इसमें किसी किस्म का भी जो है वो बग ना रह जाए। और जैसे ही हमारी जो ख्वातीन है वो इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो इनमें किसी किस्म का उनको कोई क्रैश ना मिले, कोई भी बग ना मिले और वो इजीली मसला ना हो, और इजी टू यूज हो ये, और जल्द से जल्द मतलब उनके लिए अवेलेबल हो जाए। थैंक यू सो मच उमर, आप हमारे शो में और अपने कीमती वक्त दिया। जी जी नाज़रीन, आपको जो है आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो पंजाब पुलिस है वो कैसे टैलेंट को मतलब ग्रूम करती है, प्रमोट करती है और कैसे फिर वो आगे लेके चलती है। स्पेशली रिमशा, ख्वातीन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ख्वातीन वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये आपकी हिफाजत के लिए बनाई गई है। सो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और आप लोग हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहे, सेफ स्टडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।